राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कवि तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। सुबह शाम जिसको हरि ज्ञान होगा बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको हरि ज्ञान होगा बड़ा भाग्यशाली धरती पर जब जब पाप बढ़ा तब तब भगवान ने किसी महापुरुष के रूप में धरा पर जन्म लिया। वाराणसी के छोटे से गांव में 1456 की माघ पूर्णिमा रविवार का दिन था। रघु अपनी झोपड़ी के आगे चक्कर लगा रहा था। चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। कभी अपने सीने पर हाथ रखता, कभी आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान मुझ पर कृपा करना। कुछ ही पल गुजरे थे कि रघु के कानों में बच्चे की किलकारी सुनाई पड़ी। रघु का चेहरा खिल उठा और दाई बाहर आई। अरे रघु, आंखें फाड़कर क्या देख रहा है? लड़का हुआ है लड़का। अरे सुनाई दिया कि ना? अरे बावले, कर्मा ने लड़के को जन्म दिया है। हैं? लड़का? हाँ। अरे ओ रघु, ठहर, अभी अंदर नहीं जा, थोड़ी देर बाद जाना। ठीक है दाई, पहले बाजार से कुछ मीठा सीठा लाता हूँ। गांठ में तो टका भी नहीं है, मीठा लाऊंगा कहाँ से? हाँ, लाला के पास चलता, उसी के आगे दोनों। राम राम सेठ जी। राम राम भाई, राम राम। रघु कैसे आना हुआ भैया? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। लाला जी, भगवान की दया से घर में लड़का जन्मा है, सोचा कुछ अड़ोस पड़ोस वालों का मीठा मुंह करवा दूं। रघु, खुशी का मौका है, इसलिए मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अब की बार तो उधार दे देता हूँ, पर आगे जब तक अगला पिछला हिसाब नहीं चुकाओगे कुछ नहीं दूंगा। सेठ जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा और ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, ले जा, जा। लो भाई मीठा मुँह करो, तुम्हारे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, लाओ लाओ मुँह मीठा करो भाई।
तुम उदास क्यों हो? कुछ बोल ले बीगी, वो ही जा रही है। मुन्ना दूध नहीं पी रहा, मैं क्या करूं मुन्ना के बाबू, मेरा तो कलेजा कांप रहा है। धैर्य रखो, अभी नहीं पी रहा है तो थोड़ी देर में पी लेगा। तुम काहे परेशान होती हो, भगवान सब भला करेगा। मैं दुकान से जाके कुछ रसोई का सामान ले आता हूँ। रसोई का सामान कहाँ से लाओगे? पिछले दो दिनों से तो तुम काम पर नहीं गए, मुझ मुई के लिए इधर उधर दौड़ते रहे हो। अरे पगली, भगवान जो करता है ठीक ही करता है। कुछ उधारी लाया हूँ, सप्ताह भर गुजारा चल जाएगा, तब तक तुम भी चलने फिरने लग जाओगी। अब चिंता फिक्र छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं सहा जाता, एक तो मुन्ना दूध नहीं पी रहा, इधर मेरी छाती फटने को है, मैं क्या करूं आप ही बताइए। मुझे तो लगता है कि मुन्ने पर बुरी छाया है, किसी झाड़ फूक वाले को बुला लाओ। रो क्यों रही हो बावली? एक तो मुन्ना को लेकर पहले ही तड़फ रहा हो, ऊपर से तुम रो रही हो, संभालो अपने आप। मैं जा रहा हूं, और परले गांव में झाड़ फूंक वाला रहता है, देखता हूं अगर मिलता है तो उसको बुला के लाता हूं। Ah!
फिकर ना करो कर्मा, लाओ अभी ठीक किए देता हूँ। कर्मा रोग तो समझ में आ गया, पर क्या वैद्य जी, जल्दी इलाज कीजिए ना। अरे इलाज करना ही तो हमारा काम है, पर एक टका लगेगा। एक टका? हम गरीब मजूरी करके खाते हैं वैद्य जी, मेरे पास अभी तो एक टका नहीं है, पर मजूरी करके आपका टका जरूर चुका दूंगे। ना कर्मा ना, पहले टका फिर इलाज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ वैद्य जी, मेरे मुन्ने का इलाज कर दो, मैं आपका टका लौटा दूंगी। वैद्य जी कुछ तो दया रहम कीजिए, आपको भी भगवान के घर जाना है, कुछ तो शर्म कीजिए। इस बालक में और आपके बेटे में क्या फर्क है? अरे चल चल, यूं शर्म करने लगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बच्चा क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो? महाराज मेरा लाल जन्म से दूर नहीं मिला, क्या करूं? वैद्य जी भी बिना टका के इलाज करने के तैयार नहीं। ला बेटा इसे मेरी गोद में दे दो। बेटी अब इसे दूध पिलाओ। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार, मेरा मुन्ना तो दूध पीने लग गया। महाराज आप जो भी हो मेरे लिए भगवान हो। हे महाराज, इस गरीब माँ की जीवा हमेशा आपका गुणगान करेगी। प्रणाम महाराज। चिरंजीवी हो पुत्री। गुरुदेव यह कैसा भेद है कि पहले बच्चा दूध नहीं पी रहा था और अब झट से दूध पीने लगा। वत्स, ये बच्चा पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल का ऋषि था, अपने साथियों के साथ जगह जगह विचरण करते थे। एक दिन ये साधु भिक्षा मांगने एक गांव में गए तो वहां पर एक जगह कुछ फिसलन थी, वहां पर इस साधु का पैर फिसल गया। महाराज, ओहो लगी तो नहीं आपको? लगता है बच्चा पाँव में मोच आ गई।
साधु महाराज, कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए रसोई बनाता हूँ। नहीं नहीं बच्चा, रसोई की आवश्यकता नहीं है। मेरे कुछ साथी भी हैं जो नगर के बाहर डेरा लगाए हुए हैं। हम सब मिलकर ही भोजन करते हैं। पता नहीं आज क्या होगा। क्या बात है साधु महाराज? आज मैं सारे नगर में घूम कर आया, भिक्षा नहीं मिली और मेरे कारण मेरे साथियों को भूखा रहना पड़ेगा। महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपको आज के भोजन की जितनी भिक्षा है आपके लिए ला देता हूँ। लीजिए महाराज। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। महाराज अगर आप चाहें तो मैं मदद के लिए आपके साथ चलता हूँ। नहीं बच्चा मैं चला जाऊंगा। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव बच्चा। बड़ी देर कर दी मित्र, क्या भिक्षा के लिए अधिक दूर जाना पड़ा? नहीं नहीं बस यूं ही देर हो गई। चलो जल्दी से भोजन पकाते हैं। भोजन करते ही मेरे उदर में पीड़ा उत्पन्न हो गई। मेरी छाती में भी जलन हो रही है। मुझे भी कष्ट हो रहा है। लगता है आज भिक्षा किसी नीच घर से आई है। अगर सभी घरों से मिलकर भिक्षा आती तो भिक्षा से दोष खत्म हो जाता। तुमने हमारे साथ छल किया, इसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तू नीच के घर में पैदा होगा। उस श्राप के कारण उस ऋषि ने अब नीच के घर में जन्म लिया और इसीलिए बच्चा चिंतित दूध नहीं पी रहा था। तो मैंने उसके कान में यही कहा कि बेटा नीच तो मनुष्य अपने कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। बच्चा मेरी बात समझ गया और दूध पीने लगा। ये बालक बड़ा होकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। समझ गया गुरुदेव, पर अब एक बात और मुझे सताने लगी है। कहो, हम तुम्हारी उस बात का भी समाधान करेंगे। गुरुदेव, 3 दिन का जन्मा बच्चा, उसे कैसे पता चला कि वो पिछले जन्म में ऋषि था? शरीर तो नाशवान है पर आत्मा अमर है, और जब आत्मा दूसरा वस्त्र धारण करती है यानी कि शरीर पाती है तो 6 दिन तक उसे पिछले जन्म का ही स्मरण रहता है। 7वें दिन से उसे भूल लगना शुरू होती है, इसलिए छोटा बच्चा अपने आप हंसता और रोता रहता है, अपने पिछले जन्मों के सुखों के पलों को याद करता है तो हंसता है और दुखों को याद करता है तो रोता है। जय हो गुरुदेव जी, समझ गया। और बच्चा बड़ा हो जाता है और पिछली बातें भूल जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी बच्चा अपनी पिछली जिंदगी को नहीं भूल पाता
और अपने पुनर्जन्म की जगह पर जाना चाहता है, और जब तक वह वहां नहीं पहुंच जाता तब तक वह अपने पिछले जन्म को नहीं भूलता। गुरुदेव, क्या आपको अपना पिछला जन्म याद है? चलो, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अरे, कहां चली गई थी? एक तो ओझा नहीं मिला, ऊपर से तुम भी घर पर नहीं हो। मेरी तो जान निकल गई थी, अब कहां लेकर चले इसको? अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुन्ना बिल्कुल ठीक हो गया है। मुन्ना ठीक है? कैसे? क्या इसने दूध पिया? हाँ हाँ, इसने दूध पी लिया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। आपने ये नहीं पूछा कि मुन्ने ने दूध कैसे पिया? हाँ हाँ, बताओ। आपके जाने के बाद मैं मुन्ना को लेकर रामधन वैद्य के पास गई थी, पर उसने बिना टका दिए इलाज करने से मना कर दिया। रामधन? वो? अरे, वो महाकमीना, बगैर पैसे लिए वो अपने बाप का इलाज नहीं करता। अरे छोड़ो उस मुए को, मैं मुन्ना को लेकर लौट रही थी, रास्ते में एक महात्मा मिले। उन्होंने जैसे ही मुन्ने के सिर पे हाथ रखा, मुन्ना मुस्कुराने लगा। बड़े ही पहुंचे हुए संत थे। जरूर भगवान का अवतार होंगे। लो, मुन्ने को मेरी गोद में ले लो। लो जी लो, और इसका सुंदर सा नाम भी रख दो। नाम? नाम तो तेजपाल ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगा। अरे, रविवार को पैदा हुआ है, रविदास नाम ठीक रहेगा। हाँ जी, ये नाम मुझे भी अच्छा लगा। और समय का पहिया घूमता है। रविदास जी देखते ही देखते जवान हो जाते हैं। रविदास जी के मन में राम नाम की ज्योत तो बचपन से ही प्रज्वलित थी, और अब वे रोज गंगा घाट के किनारे अपने गुरु रामानंद जी के उपदेशों को सुनने जाते। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कवि तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। सुबह शाम जिसको हरि ध्यान होगा, भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको हरि ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। रविदास जी गुरु रामानंद के प्रवचनों को सुनते और उन्हीं प्रवचनों का बखान गांव वालों में करते। गांव की गलियों में भजन गाते और लोगों को अंधविश्वास के कोहरे से बाहर निकालते। इस प्रकार रविदास जी की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। पौंगा पंडित उनसे जलने लगे। प
पही नाम गुरु का ले लो रे, पाप थारे सब कट जाएंगे। नाम जपे ते जन्म मरण के ये सारे संकट मिट जाएंगे। नाम गुरु का ले लो रे, पाप थारे सब कट जाएंगे। नाम जपे तो जन्म मरण के ये सारे संकट मिट जाएंगे। श्री राम सा गुणकार ना, ऐसा कोई पतवार ना। श्री राम सा गुणकार ना, ऐसा कोई पतवार ना। तुम चरणा के मैं लगे रहो, के होगा वो बलिहार ना। राम मिलन नयो जीव तड़पता, गम के बादल छट जाएंगे। नाम जपे तो जन्म मरण के ये सारे संकट मिट जाएंगे। वो नाम गुरु का ले लो रे वंदे, पाप थारे सब कट जाएंगे। नाम जपे ते जन्म मरण के ये सारे संकट मिट जाएंगे। दर्शन की चा करे रहो, ओ नाम राम के कर के जीवन प्रभु परे मम भरे रहो। ओ जन्मदार के भक्ति करे, दर्शन की चा करे रहो। राम नाम के कर के जीवन प्रभु प्रेम में भरे रहो। राम के कर जब हो तो दर्द तेरे सब कट जाएंगे। नाम जपे तो जन्म मरण के ये सारे संकट मिट जाएंगे। वो नाम गुरु का ले लो रे वंदे, पाप थारे सब कट जाएंगे। नाम जपे ते जन्म मरण के ये सारे संकट मिट जाएंगे। राम राम गुण गान करो, ओ जात पात का भेद भला, राम राम गुण गान करो। और बुद्धि चेतन एक ठकान, बैठ के बंदे दान करो। चंदन धोरे रे के बांस भी खुशबू भी चल पट जाएंगे। नाम जपे ते जन्म मरण के ये सारे संकट कट जाएंगे। वो नाम गुरु का ले लो रे, पाप थारे सब कट जाएंगे। वो नाम जपे ते जन्म मरण के ये सारे संकट।
सारे सब कट जाएंगे, नाम जपे ते जन्म मरण के ये सारे संकट कट जाएंगे। ओ नाम गुरु का ले लो रे, पाप थारे सब कट जाएंगे, नाम जपे ते जन्म मरण के ये सारे संकट कट जाएंगे। राम 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 राम, घोर कलयुग रामा घोर कलयुग। क्या हुआ धर्मराज जी, किसको कोस रहे हो? अरे अपने आप को कोस रहा हूँ, जो इस कलयुग में ऐसा पाप होते अपनी आँखों से देख सुन रहे हैं भैया। ऐसा क्या पाप हुआ धर्मराज जी? अरे बुड़बुक, इससे ज्यादा क्या पाप होगा कि एक नीच राम नाम के प्रवचनों का अशुद्ध बखान लोगों के में करता है और लोग उसकी जय जयकार करते हैं। किसकी बात कर रहे हो धर्मराज जी? अरे वही रविदास जो लोगों में धर्म ज्ञान की बातें करने का ढोंग करता है। राम राम पंडित जी। अरे नीच, हमारे सामने ढोंग करता है? तुम्हारा बेटा हम पंडितों वाली पंडताई करेगा और हम उससे शिक्षा लेंगे? नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बेटे को समझा दे कि अपनी जात में रहे, वरना तुम जानते हो मेरा नाम पंडित धर्मराज है। नाश करा के रहेगा, क्या जरूरत है इसे पंडितों से टक्कर लेने की? अरे हमारा काम थोड़ी ही है पंडिताई करना। हम मेहनत मजदूरी करके काम चलाने वाले, सोचा था बेटा जवान होगा अपना पुश्तैनी धंधा संभालेगा, हमारे बुढ़ापे का भी सहारा बनेगा, पर लगता है हमारा बुढ़ापा भी चैन से कटने वाला नहीं है। क्या हुआ, क्यों कोसे जा रहे हो हमारे रवैया को? अरे क्या करूं ना कोसूं तो, कुछ काम धाम तो करता नहीं, सारा दिन हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, क्या इसी से पेट भर जाए? तो भगवान का नाम लेने में कौन सी बुराई है? भगवान का नाम लेने में तो बुराई नहीं है, पर खाली राम राम से पेट तो नहीं भरता। क्या सोच लिया है आपने, कुछ भला बुरा ना कहना जी। मैंने तो आज सोच लिया। अरे भला बुरा कहाँ कहूँगा, यही सोच रहा हूँ कि इसका ब्याह कर दूँ, कंधे पर बीवी की जिम्मेदारी पड़ेगी तो काम करना भी सीखेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। किसके ब्याह की बात कर रहे हो बाबूजी? अपने ब्याह की बात कर रहा हूँ। हैं? क्योंकि तेरी माँ से तो मेरा मन भर गया है। अब सोचता हूँ तुझे दूसरी माँ ला के दे दूँ। बाबूजी इस बुढ़ापे में दूसरा ब्याह? राम 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 राम, मुझे तो लज्जा आती है। बाकी प्रभु इच्छा। हे प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। दिल तो करता है कि दीवार से सर मार के जान दे दे। अरे तेरे ब्याह की बात कर रहा हूँ मैं। माँ मैं ब्याह नहीं करूंगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। अरे कैसे नहीं करेगा, मैं भी देखता हूँ। मैंने लड़की देख रखी है, लोनी नाम है उसका, बड़ी सुशील लड़की है, अच्छे घर से है। क्या जी आप रिश्ते की बात पक्की कराए और मुझे पता भी नहीं चला? अरे पक्की तो अब करके आऊंगा, अभी तक तो उसके परिवार को जानता हूँ, अच्छा परिवार है। लेकिन बाबूजी मैं ब्याह नहीं करना चाहता। अरे बेटा ब्याह शादी तो सभी की होती आई, ब्याह शादी से ही तो वंश चलता है बेटा, और क्या तू अपने माँ बाप की बात को ठुकराएगा? नहीं माँ, मैं तुम्हारी बात कैसे ठुकरा सकता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों बेटा, अब तू जवान हो चुका है और फिर शादी से इनकार क्यों? मुझे भी एक बहू की जरूरत है, मेरे हाथ पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया है। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी आज्ञा। और इस प्रकार रविदास जी की शादी भी हो जाती है।
अरे पहले तो तीन ही प्राणियों का पेट पालना पड़ता था, अब तो चार हो गए। मैंने तो जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या बात है जी, क्यों सारा दिन बड़बड़ाते रहते हो? अरे बड़बड़ाऊं नहीं तो क्या करूं, मैं अकेला कमाने वाला और अब मेरी उम्र भी जवानी की नहीं रही, थक जाता हूं। रवैया की माँ, कब तक ऐसा चलेगा? तुम ठीक कहते हो जी, पर करें तो क्या करें, मैं तो समझा समझा के हार गई। कभी कभी मेरी मान के काम पे बैठता है, पर सारा दिन में एक जूती ठोकी तो क्या ठोकी, नहीं तो राम 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 राम। रविया की माँ, मेरी एक बात पर इतराज ना करना। कहो जी। मैंने रविया को अलग करने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, जब पेट रोटी मांगेगा तो अपने आप कमाएगा, उसे आते ही कह देना बेटा अपना अलग से ठिकाना पड़ा ले। अरे ये आप क्या कह रहे हो, मेरा एक ही तो बेटा है और आप कह रहे हो कि मैं उसे अलग कर दूं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, बड़े दुखों से मैंने उसे पाला है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आज नहीं कमा रहा लेकिन थोड़े दिनों में कमाने लगेगा, लेकिन मैं उसे अलग नहीं करूंगी। रवैया की माँ, दुश्मन उसका मैं भी नहीं हूँ, वो मेरा भी बेटा है और मैं यही चाहता हूँ कि वो किसी तरीके से भी कमाने लगे। वैसे भी हम तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं, और अगर नहीं कमाएगा तो हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा? ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। बस मेरी यही इच्छा है ये कमाने लगे। कभी राम बनके कभी कृष्ण बनके चले आना प्रभु जी चले आना। अरे क्यों रो रही हो? स्वामी, बाबूजी माँ से कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि आज से आपको अलग कर दे। अब क्या होगा स्वामी, अब क्या होगा? अरे वही होगा जो विधाता को मंजूर होगा, तुम्हारे रोने से तकदीर नहीं बदल सकती। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना, हो चले आना प्रभु जी। रवैया। हाँ बाबूजी। अपना ठोर ठिकाना कहीं और बना ले। क्या बात बाबूजी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मेरे बस का नहीं है इस ढलती उम्र में तुम चार चार का पेट पालना। तेरी मारे मना पार पड़े रविदास तू न्यारा हो जा रे, तेरी मारे मना पार पड़े रविदास तू न्यारा हो जा रे, तेरी मारे मना पार पड़े रविदास तू न्यारा हो जा रे। घर के काम न छोड़ के बैठा, घर के काम न छोड़ के बैठा, बैठा राम की चादर ओढ़ के बैठा, तू तो राम की चादर ओढ़ के बैठा। खावण नैनू आवे तड़े, खावण नैनू आवे तड़े, न्यू के गुजारा हो जा रे, तेरी मारे मन पार पड़े रवि।
सब क्या मदान करण पे लाग्या, तू सब क्या मदान करण पे लाग्या, नहीं मानता तुम्हारी आज्ञा, नहीं मानता तुम्हारी आज्ञा, तू चावे चूल्हा धर ले जड़े, तू चावे चूल्हा धर ले जड़े, काम का प्यारा हो जा रे, तेरी मारे मन पार पड़े, रविदास तू न्यारा हो जा रे, तेरी मारे मन पार पड़े, रविदास तू न्यारा हो जा रे। नारा तू बसिए योजड़िए चाहे वो कह, नारा तू बसिए योजड़िए घर में बड़िए चाहे चाहे ना बड़िए, बड़िए घर में बड़िए चाहे चाहे ना बड़िए, रोज रोज ना आकाश छड़े, रोज रोज ना आकाश छड़े, स्वर्ग द्वारा हो जा रे, तेरी मारे मन पार पड़े, रविदास न्यारा हो जा रे, वो तेरी मारे मन पार पड़े, रविदास तू न्यारा हो जा रे। कमल शंग कर गौर तावड़ा, कमल शंग कर गौर तावड़ा, भगत बने क्यों होरिया बावड़ा, भगत बने क्यों होरिया बावड़ा, कैसे मगज माया बात पड़े, कैसे मगज माया बात पड़े, कित जीता हारा हो जा रे, तेरी मारे मन पार पड़े, रविदास तू न्यारा हो जा रे, तेरी मारे मन पार पड़े।